दोस्तों 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट प्लैंक अपार्टमेंट में जो कुछ हुआ वो यकीन से परे था। एक अभिनेता जो कि करियर की ऊंचाइयों पर था, लगातार हिट फिल्में दे रहा था और आखिरी फिल्म छिछोरे ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। उसके बाद खबर ये आई कि वो शानदार अभिनेता, दिलदार इंसान और बेहतरीन दोस्त नहीं रहा, चला गया, दुनिया छोड़ दी। और इसके पीछे वजह बताई गई कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती चली गईं, कई लोगों पर आरोप लगे, जांच भी हुई, केस भी आगे बढ़ा और अब करीब 2 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को शीशे की तरह साफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को माउंट प्लैंक अपार्टमेंट छोड़ा था और अब उसी रिया की एक बातचीत खुलकर सामने आ गई है जिसमें रिया ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा काम कंप्लीट हुआ। और यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि 14 नहीं बल्कि 13 जून को बड़ा कांड होना था। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा सच, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बनें। तो 14 जून 2020 के दिन को अभी भी फैंस चाहने वाले भूले नहीं हैं और ऊपर से जो साजिशें हुई, जो खुलासे हुए, उन्होंने तो फैंस को और ज्यादा परेशान कर दिया कि किसी एक इंसान को इतने सारे लोग कैसे एक साथ मिलकर बर्बाद कर सकते हैं, कैसे इतना ज्यादा खराब हालत में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो रिया चक्रवर्ती पर था। अब नया खुलासा आपको बताएंगे, रिया की बातचीत में क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि SSR के ड्राइवर ने क्या कहा था, बॉडीगार्ड ने क्या कहा था। जी हाँ, आपको याद नहीं तो हम आपको याद दिलाते हैं कि बॉडीगार्ड ने कहा था कि उसकी ड्यूटी हर वक्त सर के साथ रहने की होती थी, लेकिन रिया मैडम साथ में जाने नहीं देती थी और घर के अंदर तो सर हमेशा सोए रहते थे। रिया मैडम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पार्टी करती थी और करीब हर एक दिन के बाद वहाँ पार्टी होती थी और ये सारा का सारा पैसा सर के अकाउंट से ही दिया जाता था। यह आरोप बॉडीगार्ड ने लगाया था और साथ ही ये भी बताया था कि सर को कुछ खिलाकर सुला दिया जाता था और वो ऊपर वाले कमरे में सिर्फ सोते रहते थे, जबकि नीचे वाले हॉल में खूब पार्टियां होती थी, खाने पीने की खूब बर्बादी भी होती थी और नाच गाना भी होता था। और ऐसा ही कुछ ड्राइवर ने भी बताया था। ड्राइवर ने बताया था कि सर की गाड़ी को जैसे मैं चलाता था, ठीक उसी तरह सर की जिंदगी को रिया चला रही थी और वही होता था घर में जो कि रिया कहती थी या फिर रिया चाहती थी। सर तो कुछ भी नहीं कहते थे और कई बार कुछ कहते थे, कहने की कोशिश भी करते थे तो उन्हें कुछ कहने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। रिया के हिसाब से ही ये सब कुछ तय हो रहा था। जी हाँ, और रिया चक्रवर्ती एक तरीके से उस घर की मालकिन बनी हुई थी। अब आगे देखिए, ये सारी बातें रिया को बताने के लिए काफी हैं कि वो SSR की जिंदगी को किस तरह से चला रही थी, कैसे डोमिनेट कर रही थी। और उसी रिया को लेकर 8 जून का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती उसी अपार्टमेंट में रह रही थी और लंबे समय से रह रही थी, लेकिन अचानक 8 जून को वो माउंट ब्लैक अपार्टमेंट को छोड़कर चली गई। और ये भी खुलासा हुआ था कि रिया ने वहां से निकलने के बाद सबसे पहला कॉल फिल्म मेकर महेश भट्ट को किया था और महेश भट्ट को बताया था कि वो माउंट प्लैंक अपार्टमेंट छोड़कर आ गई है। और उस पर महेश भट्ट ने भी कहा था कि बिल्कुल ठीक किया। अब पहली बात का तो खुलासा हो गया, लेकिन अब दूसरी बात का भी खुलासा हुआ है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने इसके बाद अपने एक बेहद ही करीबी दोस्त को फोन किया था और बड़ी बात यह है कि वो दोस्त भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी। और रिया ने कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैं उसका घर छोड़कर आ गई और अपने घर वापस आ गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिया ने ये बात अपनी उस फिल्म इंडस्ट्री वाली दोस्त से कही कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि रिया ने साफ कहा था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब हालांकि इसके अलावा क्या बात हुई ये पूरा पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जरूर पता चल गया कि रिया ने कहा कि वो काम कंप्लीट करके आई है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया कि कौन सा काम कंप्लीट कर लिया, क्या काम कंप्लीट कर लिया, क्या उसे अकेले छोड़ने का काम कंप्लीट कर लिया या फिर अपने घर आने का काम कंप्लीट हो गया।
या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट कर लिया, या उसकी दौलत को हथियाने का काम कंप्लीट कर लिया, या फिर 14 जून को जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, और क्या उसका काम रिया ने कंप्लीट कर लिया था। ये सारे के सारे सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि रिया ने कहा था कि वो काम कंप्लीट करके अपने घर आई है, यानी कि रिया ने कुछ ना कुछ तो काम कंप्लीट किया था, कुछ तो किया था जिसे वो जीत की तरह बता रही थी। या तो उसे अकेले छोड़ने का कंप्लीट किया था, या फिर उसे बर्बाद करने का काम कंप्लीट किया था, कुछ ना कुछ तो किया था जिससे रिया चक्रवर्ती पर सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और रिया ने 8 जून सोमवार को माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट छोड़ा था, और उसके बाद एक हफ्ते यानी कि संडे 14 जून तक का काउंटडाउन शुरू हो गया था, क्योंकि 14 जून को वो हो गया जिसे होना नहीं चाहिए था। अब हैरानी की बात ये भी है कि 14 जून से पहले 13 जून की तारीख की भी बात आ रही है। जी हाँ, पहले पूरा कांड, पूरी ये वारदात 14 जून के बजाय 13 जून को होनी थी। प्रियंका ने कहा था कि 13 जून को उनके पास उनकी बहन मीतू का फोन आया था, और मीतू वही बहन है जो कि मुंबई में थी और 14 जून की घटना के बाद सबसे पहले अपार्टमेंट में पहुंची थी। तो प्रियंका ने बताया कि 13 जून को लेकर मीतू ने कुछ शक जाहिर किया था, और इसीलिए प्रियंका सिंह ने शक जाहिर किया है कि 13 जून को जो कुछ नहीं हो पाया उसे 14 जून को कर लिया गया, और बेहद शातिर तरीके से साजिश के साथ इसे कंप्लीट किया गया, इस काम को पूरा किया गया। अब ये 14 जून वाला काम और रिया ने जो काम कंप्लीट किया वो काम क्या एक ही थे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, इसी में सब कुछ बसा हुआ है, पूरा मामला, पूरा खुलासा अटका हुआ है। लिहाजा इस पूरे मामले का खुलासा होना जरूरी है। इस बात का खुलासा होना जरूरी है कि रिया ने किस काम को कंप्लीट करने की बात कही थी। अब ऐसे में नए खुलासे एक बार फिर से होने लगे हैं दोस्तों, नई बातें एक बार फिर से आने लगी हैं, और 2 साल बाद एक बार फिर से इस केस में सुर्खियां दिख रही हैं, इस केस में इंसाफ की उम्मीद दिख रही है, और नए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की भूमिका फिर से सवालों में खड़ी दिख रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या हो सकता है वो काम जो रिया कंप्लीट करके आई थी और 8 जून को अपनी दोस्त से बातचीत में कहा था? आपका क्या मानना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।